100 में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बढ़ेंगे आगे फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालें। उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इंदौर से, जहां यात्री बस ने एक स्कूल बस को टक्कर मार दी। राजीव गांधी चौराहे पर यह दुर्घटना हुई। स्कूल बस में सवार दो बच्चों को चोट आई है। भवरकुआं थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर इंदौर से, यात्री बस ने स्कूल बस को मारी टक्कर। राजीव गांधी चौराहे पर बस ने मारी टक्कर। स्कूल बस में सवार दो बच्चों को चोट आई। भवरकुआं थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, हादसे के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां स्कूल बस से टकराई एक बस और इस दुर्घटना में दो बच्चों को चोट भी आई है। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर, बात करेंगे उनसे, अपडेट लेंगे इस दुर्घटना के बारे में। जी मिथिलेश, देखिए बस और ये जो यात्री बस और स्कूल बस की जो भिड़ंत है, ये आमने सामने की है। ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, इस बात की जो जांच है भवरकुआं पुलिस कर रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि जब ये हादसा हुआ, उस वक्त बस के अंदर बच्चे कम बैठे हुए थे, क्योंकि सुबह का समय था। स्कूल बस बच्चों को लेने के लिए जा रहे थे, जो पिकअप पॉइंट है वहां पर वो जा रही थी। तो उस वक्त उसके पहले ही ये हादसा हो गया। तो उस दौरान पर बस के अंदर करीब 7 से 10 बच्चे ही थे, और इसलिए ये जो हादसा है ये बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मामूली 2 से 3 जो बच्चे जो आगे बैठे हुए थे, उन्हें मामूली चोट आई है और निजी अस्पताल में उन्हें तत्काल उपचार के लिए भेज दिया गया था। कुछ बच्चों को हाथ में चोट आई है जो आगे बैठे हुए थे। देखिए पूरे मामले की जांच की जा रही है, जितनी भी गलती होगी कानूनी कार्रवाई के बाद भवरकुआं थाना प्रभारी द्वारा किया जा रहा है। पास में लेकर सीसीटीवी से देखा जा रहा है क्या कि हादसे की वजह थी, रॉन्ग साइड कौन आ रहा था, क्या बस की गलती थी, या जो श्री सत्य साई विहार जो स्कूल है जिस बस के साथ ये हादसा हुआ है, क्या उसके ड्राइवर गलती थी, जो भी इसमें जितनी गलती पाई जाए उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज इंदौर में सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। गलीमत रही तो उस वक्त स्कूल के बच्चों को लेने के लिए बस जा रही थी, बच्चे कम थे वरना हादसा बड़ा हो जाता। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए मिथिलेश। और इसी बीच एक और बड़ी खबर भिंड से, जहां युवक से बेरहमी से डंडे और बेल्ट से दबंगों ने पिटाई की। नगर पालिका में ले जाकर मारपीट का आरोप है। दरअसल देहात थाना क्षेत्र का यह पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। पूरे मामले की जांच पड़ताल इस वक्त पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि मारपीट का जो ये मामला सामने आया, शख्स के शरीर पर चोट के गहरे निशान दिखाई दे रहे हैं। रवि रमन त्रिपाठी से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। रवि, क्या है ये आखिर पूरा मामला? बताऊं कि ये मामला कल दिन का बताया जा रहा है, जहां पर ये जो लड़का है, जो फरियादी है, घायल हुआ है, जिसकी बताया उसके परिजनों ने बताया कि उसके द्वारा जब वो अपने दाऊ के यहाँ जब गया था सीतानगर में, तो उसी दौरान जब वो वापस घर अपने लौट रहा था, क्योंकि ये सीतानगर का रहने वाला है, पास में ही गया था, तो वापस लौट रहा था, उसी दौरान सीतानगर चौराहे के पास इसको रोक कर और एक कार में, लग्जरी कार में इसको बैठा लिया गया और इसको ले जाकर, कल चूंकि नगरपालिका रविवार का दिन था तो बंद थी, लेकिन उसके नगरपालिका के पीछे ले जाकर इसके साथ लाठी डंडों से और उसकी बेल्टों से जमकर पिटाई की गई, और जिसके पीछे शरीर पे देखा भी जा सकता है कि पूरी लहूलुहान हो चुकी है बॉडी उसकी, मतलब बहुत बुरी तरह से उसकी मारपीट। बिल्कुल रवि रमन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो डंडे और बेल्ट से दबंगों ने जोरदार पिटाई की और आप ये देखिए, और बुरी तरीके से जख्मी युवक, कुछ वीडियो भी सामने आए हैं।